हवा में उड़ने की चाहत, परिंदों की तरह जमीन से ऊपर उड़ने का ख्वाब सदियों पुराना है। सदियों तक इंसानों ने आसमान को निहारा, उड़ान की आजादी और रोमांच की कल्पना की। इस सपने ने दुनिया भर के लोगों को मोहित किया, प्राचीन चीन के आविष्कारकों से लेकर पुनर्जागरण के कलाकारों तक। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में आकर ही यह सपना आखिरकार हकीकत बना। इस युग के दो नाम अग्रदूतों के रूप में सामने आते हैं, राइट ब्रदर्स विल्बर और ऑनरविल, और एक भारतीय विद्वान जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। ये लोग महाद्वीपों और संस्कृतियों से अलग एक समान लक्ष्य साझा करते थे, आसमान को जीतना। उनकी कहानियां हालांकि कई मायनों में अलग हैं, विमानन इतिहास की भव्य चित्रावली में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो हमें याद दिलाते हैं कि नवाचार अप्रत्याशित जगहों से उभर सकता है, जो जुनून, जिज्ञासा और असंभव से लगने वाले सपने की लगातार खोज से प्रेरित होता है। विल्बर और ऑनरविल राइट ओहायो में पले बढ़े रोजमर्रा की जिंदगी के मैकेनिक्स से प्रभावित होकर। उनके पिता, जो एक ट्रैवलिंग मिनिस्टर थे, एक बार एक छोटा सा टॉय हेलीकॉप्टर घर ले आए। मुड़े हुए रबर बैंड से चलने वाले इस साधारण से खिलौने ने युवा भाइयों में उड़ान के प्रति आजीवन आकर्षण पैदा कर दिया। उन्होंने पक्षियों को देखा, उनकी हरकतों का अध्ययन किया और एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा जो उनकी मनमोहक उड़ान की नकल कर सके। इसी दौरान भारत में हजारों मील दूर शिवकर बापूजी तलपड़े भी उड़ान के विचार से मोहित हो गए थे। विद्वानों के परिवार में पले बढ़े तलपड़े ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्राचीन संस्कृत साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। वे वेदों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, जिनमें विमान नामक उड़ने वाली मशीनों का वर्णन था, हालांकि ये वर्णन पौराणिक कथाओं में डूबे हुए थे, लेकिन इन्होंने तलपड़े की कल्पना को प्रज्वलित किया और इन प्राचीन अवधारणाओं को वास्तविकता में बदलने की उनकी इच्छा को हवा दी। उड़ान के लिए राइट भाइयों का रास्ता एक ज्यादा ग्राउंडेड आविष्कार से शुरू हुआ, साइकिल। 1897 में उन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली, जहां उन्होंने इन लोकप्रिय नई मशीनों को डिजाइन, निर्माण और मरम्मत की। यह अनुभव अमूल्य साबित हुआ, जिसने उन्हें यांत्रिकी, संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत सिखाए, विमानन में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए सभी आवश्यक। उन्होंने एरोनॉटिक्स पर मिल सकने वाली हर जानकारी को पारहा जर्मन इंजीनियर ऑटो लिलियनथल के कार्यों का अध्ययन किया, जिन्होंने ग्लाइडर के साथ सफलता हासिल की थी। भाइयों ने समझा कि इससे पहले कि वे एक संचालित विमान का निर्माण कर सकें, उन्हें ग्लाइडिंग की कला में महारत हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने अलग अलग डिजाइनों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, अपने प्रेक्षणों को ध्यान से रिकॉर्ड किया और अपनी विफलताओं से सीखा। 1900 में राइट भाई अपने ग्लाइडर को उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक ले गए। उन्होंने इस स्थान को इसकी तेज हवाओं और नरम रेतीले टीलों के लिए चुना, जो उनकी रचनाओं के परीक्षण के लिए एकदम सही थे। साल दर साल वे किट्टी हॉक लौटते रहे, अपने डिजाइनों को परिष्कृत करते रहे और ग्लाइडर उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। अंततः 17 दिसंबर 1903 को उनकी दृढ़ता रंग लाई। एक ठंडी हवादार सुबह ऑनरविल राइट ने अपने संचालित विमान फ्लायर को 12 सेकंड के लिए ऐतिहासिक रूप से उड़ाया, जिसने 120 फीट की दूरी तय की। अब एक आइकॉनिक तस्वीर में कैद की गई इस महत्वपूर्ण उड़ान ने संचालित नियंत्रित उड़ान के जन्म को चिन्हित किया और मानव सरलता के एक नए युग की शुरुआत की। सेक्शन 5, अक्रॉस द ओशन, अ स्कॉलर इन इंडिया। जहां एक तरफ राइट भाई किट्टी हॉक में इतिहास रच रहे थे, वहीं शिवकर बापूजी तलपड़े भारत में अपने अध्ययन में डूबे हुए थे। वे कुछ हद तक प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे, संस्कृत पढ़ाते थे और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे, लेकिन उड़ान के प्रति उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने विमानों के विवरणों में गहराई से पता लगाया, उनके डिजाइन, प्रणोदन प्रणाली और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का विश्लेषण किया। तलपड़े का मानना था कि इन प्राचीन ग्रंथों में उड़ान के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। वे वेदों में वर्णित पारे के भनवर इंजन और गुरुत्वाकर्षण विरोधी की अवधारणा से विशेष रूप से चिंतित थे। हालांकि ये अवधारणाएं आज काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन वे प्राचीन भारत में मौजूद उन्नत सोच और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रदर्शित करती हैं। सेक्शन 6, एंशिएंट टेक्स्ट्स एंड द सीक्रेट्स ऑफ द मारुत्साखा। अपने शोध से प्रेरित होकर तलपड़े ने अपनी खुद की उड़ने वाली मशीन बनाने की ठानी। उन्होंने इसका नाम मारुत्साखा रखा, जिसका संस्कृत में अर्थ है हवा का मित्र। मारुत्साखा के बारे में विवरण दुर्लभ है और अधिकांश जानकारी मौखिक इतिहास और कुछ बिखरे हुए दस्तावेजों से मिलती है।
इन वृत्तांतों के अनुसार मारुतसखा एक अनोखा विमान था जो राइट भाइयों के बायप्लेन से काफी अलग था। इसे एक गोलाकार शिल्प कहा जाता था जो पारे पर आधारित इंजन द्वारा संचालित होता था, जो गर्मी और विद्युत चुंबकत्व के संयोजन से जोर उत्पन्न करता था। जबकि इस इंजन के काम करने का सही तरीका एक रहस्य बना हुआ है, तलपड़े के डिजाइन ने उनकी सरलता और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मिलाने के उनके प्रयास को प्रदर्शित किया। सेक्शन 7, अ मोमेंट इन टाइम लॉस्ट टू हिस्ट्री। मारुतसखा की पहली उड़ान के आसपास के विवरण रहस्य और बहस में डूबे हुए हैं। कुछ खातों का दावा है कि 1875 में राइट भाइयों की उड़ान से 8 साल पहले तलपड़े ने मुंबई के चौपाटी बीच पर अपने विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। वे वर्णन करते हैं कि मारुतसखा लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया और फिर वापस धरती पर आ गया। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। घटना की पुष्टि करने के लिए कोई तस्वीर या आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। दस्तावेजीकरण की कमी को अक्सर कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों का संदेह और तलपड़े के लिए उपलब्ध सीमित संसाधन शामिल हैं। प्रमाणिक सबूतों की कमी के बावजूद तलपड़े की कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। उनके शोध के प्रति समर्पण, आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन ज्ञान को सम्मिश्रित करने में उनकी सरलता और उनके सपने में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें कई भारतीयों के दिलों में विमानन के भूले हुए अग्रणी के रूप में स्थान दिलाया है। दूसरी ओर राइट भाइयों ने अपनी उपलब्धि के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की। उनके आविष्कार ने यात्रा, युद्ध और संभव के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनकी विरासत उनकी इंजीनियरिंग उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह नवाचार की उनकी भावना, प्रयोग के प्रति उनके सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण और एक सपने के लिए उनके अथक प्रयास में निहित है। राइट भाइयों और शिवकर बापूजी तलपड़े की कहानियां, हालांकि समय, भूगोल और ऐतिहासिक साक्ष्यों से अलग हैं, दुनिया भर के इच्छुक वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि नवाचार अप्रत्याशित जगहों से आ सकता है, जो जुनून, समर्पण और पारंपरिक सोच को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित होता है। इन अग्रदूतों को चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। राइट भाई वर्षों तक संघर्ष करते रहे, संदेह, वित्तीय बाधाओं और कई तकनीकी कठिनाइयों से जूझते रहे, औपनिवेशिक अधिकारियों की उदासीनता का सामना करते हुए और सीमित संसाधनों के साथ काम करते हुए तलपड़े को अपनी बाधाओं को दूर करना पड़ा। राइट भाइयों की 12 सेकंड की उड़ान से लेकर आज के सुपरसोनिक जेट विमानों तक विमानन का विकास असाधारण से कम नहीं रहा है। एक सपने के रूप में जो शुरू हुआ, वह अथक प्रयोग, अभिनव इंजीनियरिंग और मानव सरलता की शक्ति में अटूट विश्वास के माध्यम से आकार लिया। आज हवाई जहाज विशाल दूरियों के पार लोगों और संस्कृतियों को जोड़ते हैं। वे माल परिवहन करते हैं, वैश्विक व्यापार को सक्षम करते हैं और हमें अपने ग्रह के सुदूर क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देते हैं। हमारी दुनिया पर विमानन का प्रभाव निर्विवाद है। इसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। हालांकि विमानन की कहानी हवाई जहाज के साथ खत्म नहीं होती है। उड़ान का सपना विकसित हुआ है, जिससे हमने अपनी दृष्टि और भी ऊंची सितारों तक स्थापित की है। प्रारंभिक अंतरिक्ष दौड़ से लेकर मंगल ग्रह पर आज के मिशन तक ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज की स्थाई मानवीय भावना का प्रमाण है। जब हम विमानन के अग्रदूतों को देखते हैं तो हमें उनके साहस, उनके दृढ़ संकल्प और मानव क्षमता की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम जो हासिल कर सकते हैं उसकी एकमात्र सीमा हमारी अपनी कल्पनाओं की सीमा है, और जैसे जैसे हम उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में आगे बढ़ते हुए हम उन लोगों की विरासत को अपने साथ ले जाते हैं जिन्होंने बिना सीमा के दुनिया का सपना देखने की हिम्मत की।